सदस्य बैठे हुए भाई बहनों को सादर नमस्कार। मैं पहली बार आया हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है साहब, हमारी उम्र इतनी हो गई, क्या हम न्याय कर पाते हैं कि नहीं? व्हाट इज दिस जस्ट, न्याय क्या है? क्या हम अन्याय सहन कर लें? सामने वाला जो हमारे साथ कर रहे हैं, क्या हम सॉरी बोल के या वो सेट कर दे जाए? जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि गांधी जी कहते थे एक काल पर थप्पड़ खा लो, दूसरा काल आगे कर लो, वो परिपाटी अब रही नहीं। तो हम अन्याय कहाँ तक सहन करें या न्याय सामने वाले से कब तक अपेक्षा सकते हैं? न्याय क्या है? माँ बाप क्या हमारे प्रति न्याय कर पाते हैं? क्या हम अपने बच्चों के प्रति न्याय कर पाते हैं? सवाल बहुत आपके चरणों में, तो निवेदन है कृपया समाधान। तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है साहब, जो अपनी लाइफ से गुजरते हैं और धोखा खाते हैं, मार ज़्यादा पड़ता है, उसको हमेशा यही होता है कि मुझे हमेशा अन्याय होता है। न्याय अन्याय शब्द बुद्धि से समझ नहीं आ सकता। उसको समझना है तो दो विजन से समझ सकते हैं, एक लोक दृष्टि से न्याय कि जिसमें आप अपने दो बच्चों को, एक को ज़्यादा मिलकर दो, दूसरों को कम दो, अपने हिसाब से आपको लगे कि इसको ज़्यादा देने जैसा है, इसको कम देने जैसा है, वो आपके ऊपर है। इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, एक उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। और ओवरऑल भगवान के हिसाब से न्याय देखने जाओ तो बात अलग है। आपको किस हिसाब से समझना है ये बताइए, क्योंकि इंडिविजुअल जो न्याय होता है वो सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, सबकी समझ अलग अलग होती है, इस हिसाब से उसका न्याय भी अलग अलग होता है। वो कोई न्याय कोई स्टैंडर्ड नहीं है, न्याय कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा करे तो ऐसा ही किया जाए, स्टैंडर्ड नहीं है। वो बुद्धि से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, इसलिए न्याय को आप कितनी भी बुद्धि से समझने जाओ आपको कभी समझ में नहीं आएगा, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ख्याल में? और दादा भगवान ने बात कुछ और की, तो कि ये न्याय जो हम चाहते हैं, हम देखते हैं, हम समझना चाहते हैं, वो क्यों हमको सही नहीं होता है? तो कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय से नहीं हो रहा, अपने हिसाब से हो रहा है, और वो हम बुद्धि से समझने जाते हैं। हम किससे समझने जाते हैं? बुद्धि से समझने जाते हैं तो हमको न्याय लगता नहीं है। और दादा भगवान ने कहा कि हकीकत में आपको न्याय समझना है तो जो आपके साथ होता है वही न्याय है। क्या कहा? मेरी बात समझ में आती है? थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि जो हो रहा है वो न्याय है, लेकिन वो बात अंदर रखनी है, बाहर जैसा व्यवहार आपको लगता है कि वो वैसा करना है। किसी ने आपका पाकिट मार लिया या आपको देखते हैं कि घर में कोई आपसे झूठ बोल रहा है, ख्याल में है? तो बाहर तो आपका जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा ही रखने का, लेकिन जब वो आदमी बाहर चला जाता है तो आपका दिल जलता है कि ऐसा क्यों किया, क्यों करता है ऐसा? तभी आपके अंदर आपको समझना है हुआ सुना है। क्या कह रहा है? क्योंकि दो चीज है हमारी लाइफ में, दो चीज एट अ टाइम बनती है। क्या एट अ टाइम बनती है? क्योंकि एक पूर्व का हिसाब सामने आता है,
वो पूर्व का हिस्सा हमारे सामने आता है। नहीं, उस चीज को अलग करता है, उसका तो ज्ञान नहीं है हमको। नहीं है, इसलिए बिना का सामने आ रहा है, इसका तो ज्ञान नहीं है हमको। नहीं है, इसलिए ही बताता हूँ कि जो सामने आता है वो हमारी समझ में क्या है, उस हिसाब से हम उसको डील करते हैं। नहीं, अपन कहीं पे चीज कोई चीज लेने गए बाजार और हमने पूछे केले क्या भाव, वो बोल रहे सर 50 रुपए किलो है। ठीक है, भाव उसका हो गया, चीज तो हमारी पसंद की लेंगे ना हम। सही बात है। और फिर भी अगर वो खराब दे रहा है तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे सर? हाँ, वो तो या फिर हम चुपचाप लेके आ जाए, ठीक है न्याय ऊपर वाला करेगा। इसलिए मेरा विचार ये है, अगर हम खुद न्याय करते हैं तो शायद हम प्रभु के नजदीक, पाता के नजदीक बैठ पाते। अगर हम न्याय करते हैं, हम खुद न्याय करते हैं तो हम तो जलन ज्यादा हो सके देख लेना। हाँ वो तो है, वो तो सेम करना पड़ेगा। न्याय सत्य अकेला होता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और जीत जी उसी की होती है? नहीं, ऐसा नहीं। वो जो केला लेने गए और 50 रुपया किलो लिया, फिर हमने अपने हिसाब से दिया जो केला है, तो फिर वो घर पे लेके जाके पता चलता है कि ये तो अच्छा नहीं दिया। सब ख्याल में आया ना? तो प्रश्न वहां करना है अपने आप को, ऐसा केले वाला हमको क्यों मिला। अच्छा, वो प्रश्न हम करते नहीं है। हम खाली ये बाहर की परिस्थिति देखकर अपने आप को मानते कि अन्याय हो गया। तो अभी दूसरी बार जाए या कोई आदमी जाएगा, बोले उससे केला मत लेना, वो बेकार आदमी, चोर आदमी है। तो खुद का इंडिविजुअल हो गया वो। तो हम अपने हिसाब से न्याय करने जाते हैं। अच्छा, ख्याल में है ना? हम हमेशा कोई भी चीज हमारे सामने होती है या हमारे साथ होती है, वो अपने हिसाब से न्याय करने जाते हैं। अपने हिसाब से कभी न्याय नहीं मत करो। अपने हिसाब से न्याय करोगे तब तक भटकोगे और बहुत परेशान हो जाओगे। सही बात। इसलिए दादा भगवान ने कहा कि कम भटकना है, कम मार खाना है, जलन कम करना है अपने अंदर। अंदर एक ऐसी चीज है, अपने अंदर एक ऐसी चीज है जो हमको खुद को जलाती है। किसको कौन जलाती है? किसको जलाती है? आत्मा। खुद को? आत्मा को नहीं, खुद को। ख्याल में है? ओ, ओ, दूसरे की उन्नति देखते से खुद जलते हैं, वो वाली बात। अब वो वाली बात, वैसा अंदर कुछ है कि जो खुद को जलाता है। वो बीड़ी वाली सिगरेट वाली दुकान होती है ना, तो उसमें ऐसे दोरी होती है। हाँ, उसको लगा लो जल जाएगी। नहीं, वो दोरी जली हुई होती है, तुम सिगरेट लगा दो तुम भी जलना चालू हो जाओगे। तो सिगरेट तो मुंह में लगानी पड़ेगी, तो उसको लगा। हाँ, तो वो वही इसलिए बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो भी संयोग आएंगे और आप खुद न्याय करने जाओगे तो जलते रहोगे। ओ, 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 जो तो सोचना विचारना ज्यादा नहीं, सोचना विचारना नहीं, वो सही है। लेकिन वो बात अंदर रखनी है, बाहर बोलना नहीं है। मतलब भुनने बन जाओ, भुनने है? अंदर रख के भुनने बन जाओ। इसलिए सामने वाले को कुछ कहो मत। नहीं, एक आदमी भुनना होता है ना। नहीं ऐसा नहीं। तो देखो, दो व्यवहार है हमारे। हाँ। हमारी लाइफ में दो व्यवहार है, एक आंखों से दिखता हुआ व्यवहार है और एक अंदर चलता है अपने अंदर। बिल्कुल सही। जो अपनी वाइफ को भी नहीं पता, किसी को भी पता नहीं, बेटे को भी पता नहीं, वो एक व्यवहार है। और दूसरा व्यवहार बाहर सबको पता है। तो बाहर जो व्यवहार है वैसा बाहर जैसा चलता है कि केले खराब आए तो आपको बोलना है ये अन्याय हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सही आदमी नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा जो करते हैं, ठीक है, बरोबर है। लेकिन ये बोलते बोलने के बाद सब हो गया, खत्म हो गया, फिर अंदर वाले एक चीज चालू होगी जो आपको जलाएगी, जो आपको जलाएगी कि मेरे को केले अच्छे नहीं मिले। ऐसा करते करते वो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा चलेगा अंदर। उसका क्या करोगे? उसको कैसे बंद करोगे? किसने बंद किया? कैसे बंद कर सकते हो? तभी
वो जो अंदर वाला जो जलाने वाला है उसको बंद करने के लिए बोलने का हुआ सोनिया है, तो आप शांति से सो सकते हो। तो नुकसान जो 50 रुपए का हो गया वो गया, दूसरा नुकसान नहीं करने का। लेकिन बाहर अगर दूसरे दिन वहां जाके केले के लारी वाले पास जाते हो तो बोलने का, भाई कल हमने केला लिया था तो जरा सही नहीं था, तो आप जरा अच्छा करो, नहीं तो आगे चल के आपका बिजनेस कम हो जाएगा। गुस्सा होके बात नहीं करनी है, गुस्सा होके बात नहीं करनी है, क्योंकि किसी को अपनी गलती दिखती ही नहीं है। जो फंसा उसको दूसरों की गलती दिखती है, हकीकत में भगवान बोलते जो फंसा उसकी गलती है। क्या बात है, आपने शादी की है, बीवी मिली है, अच्छी है, खाना पीना खिलाती है, लेकिन कोई कोई बहन जी ऐसा बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड अच्छे नहीं है, क्या करने का, अभी जीवन कैसे निकालने का। तभी हुआ सो न्याय बोलोगे तो आपको शांति रहेगी और जीवन निकलेगा, नहीं तो जीवन निकलेगा नहीं। ये अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, ऐसा बोलोगे तो आपको दिन ब दिन टेंशन बढ़ेगा। ख्याल में है, इसलिए एक बाहर की बात है और एक अंदर की बात है। अंदर की बात से चलना है, अंदर की बात रखना है अपने अंदर, बाहर बालना बात नहीं करनी है। बाहर केला खराब आया तो कभी जब चांस मिलता तो बोलने का, अच्छा नहीं मिला, चांस मिला तो। लेकिन अपने को मालूम है कि अपन फंसे हुए हैं तो कुछ अपन ने भी घोटाला किया है, ऐसा आपको जब समझ में आएगा तो आपका बोलना कम हो जाएगा। एक निवेदन करूं सर, कि अपनी रिश्तेदारी वगैरह में, मित्रगणों में कई ऐसे मित्र होते हैं और हम उनको देख लेते हैं, फिर भी उनको फंक्शन वगैरह में अटम शक्ट में जबरदस्ती बुलाना भी पड़ता है, तो क्या हम उनको नहीं बुलाए? नहीं बुलाने का और फंसने का ज्यादा ज्यादा फंसने का, क्योंकि हमारी लाइफ डेबिट वाली है। कैसी लाइफ है? कलयुग का आदमी डेबिट वाला है, तो डेबिट पूरी करने अच्छा है कि डेबिट पूरी ना करना अच्छा है? पूरी करना है, जोर से बोलो ना, पूरी करनी, डेबिट पूरी करनी है। वो जो केला अच्छा नहीं मिला वो डेबिट पूरी हुई, और केला अच्छा मिला, कोई कोई आदमी को वो 50 रुपए वाला केला 25 रुपए में मिल जाता है और अच्छा मिलता है, वो कहाँ से मिला? उसने दिया तो कि नहीं, वो तुम्हारी क्रेडिट तभी चालू थी, ख्याल में है, इसके लिए अच्छा मिला। 3 दिन पहले मैं पुणे गया था, 4 दिन पहले तो पुणे गया, तो हमारे लिए केला लेके आया। क्या लेके आया? केला। लेकिन मैंने हाथ लगाया तो केला एकदम दब ही नहीं सकता था, इतना कच्चा था, खाली ऊपर से पीला दिखता था लेकिन एकदम कच्चा था। क्या करने का? आप तो 50 रुपए की बात करते हो, मैंने तो कुछ दिया नहीं फिर भी फंसा मैं। केला सामने है फिर भी खा नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ। फिर 3 दिन के बाद पता चला कि कुदरत ने ऐसा काम किया है कि आपको सुबह 7 बजे की ट्रेन है और शाम को 6 बजे घर पे पहुंचने वाले हो, तो 3 दिन के बाद वो केला पका, तो जाने के वक्त मेरे को केला दिया उन्होंने वापस, बोला अभी खाना है इसको। इसलिए ये पूरी अपना लाइफ, अपना कैसा हिसाब लेके आए हैं उस हिसाब से चलता है, लेकिन अपनी अपनी लिमिटेड बुद्धि के कारण हमको सही या ना सही लगता है। लेकिन भगवान ने बोला, दादा भगवान ने बोला कि तेरी दृष्टि टूकी है या तो कम है, इसलिए तुझे समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए हमेशा तुझे अन्याय न्याय दिखता रहता है,
हकीकत में जो होता है वो न्याय है, हकीकत में जो होता है वो न्याय है। तू जितना ये समझते जाएगा तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, तो क्या अंदर चलना बंद हो जाएगा। तेरी बीवी के साथ जो चलबल होती थी वो कम हो जाएगी। खाना वो पकाती है लेकिन महीने के अंदर दो बार भी बिगड़ता है तो भी फाइटिंग होती है, वो बंद हो जाएगी। तो बीवी बोले बोलना बंद कर दिया, तब से वो आपके ऊपर खुश रहेगी। नहीं तो अखा दिन खाना खिलाती है फिर भी खुश नहीं रहती है, क्योंकि हम माथा पच्ची करते हैं उसके साथ, खुश नहीं रहती। और ये जैसे ही हुआ उसको न्याय बोला, अंदर समझ लिया तो बोल कम हो जाता है, फिर बोलना कम हो जाता है और ऑटोमेटिक बोलना कम होता है, वो खुश हो जाती है। वो खुश हो गई तो ऑटोमेटिक हम खुश हो गए, क्योंकि हमारे अंदर ही जलना बंद हो गया। जिसको खुद अंदर जलता है वो दूसरों को जलाते हैं, ख्याल में है ना। इसलिए दादा भगवान ने कहा हमारा ये एक ही वाक्य भी पकड़ लिया और उसकी आराधना की, आराधना जितनी समझ में आई उतनी, तो भी वो धीरे 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 भगवान हो जाएगा, खुद भगवान हो जाएगा। या तो भगवान मिलेंगे उसको आशीर्वाद देंगे और फिर मैं जा अभी तुम हमारे जैसा हो जा, वो अशुभ न्याय बस इतना ही। लेकिन होने के बाद उसके पहले नहीं, ये हमेशा ध्यान रखने का। गाड़ी चलाते हैं तो हम आंख खुली रखते हैं, मिरर सेट करते हैं, पट्टा बांधते हैं, फिर एक्सीडेंट हुआ तो बात अलग है। लेकिन वो बोले पट्टा नहीं बांधता हूं मैं सीट बराबर एडजस्ट नहीं करता हूँ, पैर पहुंचे ना पहुंचे कोई देखता नहीं हूँ, आंख बंद कर देता हूँ, होगा देख लेंगे। ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ में अच्छी तरह काम करो, पूरी पूरी सेफ साइड के हिसाब से क्या बोलते हैं, पूरी केयर लेकर, और फिर कुछ नुकसान हुआ तभी बोलने का उपासो न्याय, उसके पहले नहीं बोलने का। जो होगा न्याय होगा ऐसा कभी मत बोलना, तो सब बिगड़ जाएगा। लाइफ तो बिगड़ेगी, कुटुंब बिगड़ेगा, फैमिली बिगड़ेगी, बच्चे बिगड़ेंगे और पूर्व आगे का भव भी बिगड़ जाएगा। पूरा पूरा कोशिश करना है, पूरा काम करना है, और फिर काम कुछ नहीं हुआ, कुछ सडनली कुछ हो गया, अपन इधर सब सत्संग कर रहे हैं, अभी लाइट चली गई तो क्या हुआ सो न्याय, ख्याल में है। और लाइट चली गई तो दो चार बार फोन करो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और फिर बोलते हैं नहीं साहब जरा ऐसा ऐसा, अरे जरा करो ने करो ने, ऐसा दो चार बार करो फिर हुआ सो न्याय। लेकिन पहले बोलना, पहले नहीं वो पहले बोलोगे सब खलास हो जाएगा। दादा भगवान बोलते हैं, दादा भगवान बोलते हैं इसकी जैसी डेंजर चीज इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। काम करने से पहले बोला जो होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहले बोलो, पहले सब कोशिश करो अच्छी तरह विद फुल केयर, फिर जो हुआ तो नहीं। केले केला लेते वक्त ध्यान रखने का, सब कुछ देखा, फिर घर पे गए, फिर मिसिस ने बोला कि ये सही नहीं लाए, मतलब अभी मुझे लाना नहीं आता है, ऐसा करके फिर ऐसा नहीं बोलने का केले वाले ने सही नहीं दिया, तो मेरे थोड़ा कम है ना, तो चल जाता है सर, ख्याल में। इसलिए न्याय न्याय कभी अपनी दृष्टि से तोलो मत, अपनी दृष्टि कम पड़ती है, उसके लिए विपुल ओपन माइंड चाहिए, बहुत बहुत ओपन माइंड चाहिए। एक बार केले खराब मेरे को मिले थे, मैं तो वापस ले आया था, ले लिए थे। हाँ तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाते तो जाके ले लेते तो दे देने का, ले ले तो अच्छी बात है, लेकिन झगड़ा नहीं करने का नहीं ले तो केले वापस ले लिए, किसी की साड़ी अच्छी नहीं आई
वो साड़ी देने गए तो नहीं ली, क्या करने का फिर? स्वामी जी, हम एक बार ना हिंदू धर्म संरक्षण की सभा में मतलब मीटिंग पे बैठे हुए थे, तो वो बोलते कि मना जैसे महाराणा प्रताप ने जब शांति काल में उनको छोड़ दिया था उसको गजनवी को मोहम्मद गौरी को, और फिर बाद में उसी ने अटैक उन पर कर दिया, उन्होंने उसी पर अटैक कर दिया, तो वो बोल रहे थे कि मतलब हम शांति काल में बैठे हैं और कभी ऐसा हुआ कि मुस्लिम संख्या ज़्यादा हो जाएगी हम पर अटैक हो जाएगा तो हमको पहले ही अवेयर होना चाहिए। तो उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हमें क्या करना, सच में क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए उसमें, कि इधर तो हम एक धर्म संस्था से जुड़े हुए हैं, अपने ठीक है, चल रहा है, अपना व्यवहार है जो भी है, और उधर वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि अपना प्री मतलब प्रोटेक्शन लो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, तो वहाँ क्या मतलब क्या समझना चाहिए था हमें? मतलब मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पाई कि वो अपनी जगह राइट थे कि सच में प्री प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये बुद्धि का स्वभाव है विकल्प खड़ा करना और भय खड़ा करना। बुद्धि का क्या स्वभाव है? विकल्प और भय खड़ा करना। विकल्प और भय खड़ा करना, ऐसा होगा करके अभी हम ऐसा करें और फिर वो खड्डे में डाल देते अपने को। ये आज का ही एग्जांपल है, अभी लेटेस्ट एग्जांपल, ये चाइना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन उभरते आ रहा था, लेकिन आज ऑटोमेटिकली वो कोरोना वायरस खड़ा हो गया तो उसकी इकोनॉमी कैसे डाउन हो गई। आज वहाँ फ्लाइट आना जाना बंद हो गया, लोग आने जाने बंद हो गए, बिजनेस का माल लेना बंद हो गया, 6 महीने से ऐसा चल रहा है और आगे और 6 महीना चलने वाला है। किसने किया ये? कुदरत ने किया है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये बुद्धि का ज्यादा बात मानो मत, ये पूरी दुनिया में बुद्धि की बात चलती रहती है। वो अमेरिका में भी ऐसी बात करते हैं कि आज इतनी पॉपुलेशन है तो इस ग्रोथ से वो बढ़ रही है तो 10 साल के बाद इतनी हो जाएगी, तो अपना वेजिटेबल का, पानी का, इसका प्रोडक्शन इतना है तो होगा नहीं, क्या करना चाहिए, अभी कैसा करेंगे, ऐसा सब सोचते हैं। हिमालय का बर्फ़ पिघल जा रहा है तो समुद्र की पानी लेवल अप आ रहा है, क्या करेंगे भाई? तू कुछ कर सकता है? तेरा हार्ट में अटैक आता है वो तो बंद नहीं कर सकता है, और तू दूसरी क्या बात करने की करता है? एक सर्दी हो जाती है ना, सर्दी खांसी हो जाती है वो बंद नहीं कर सकता है, उसके लिए गोली लेनी पड़ती है, तो तू क्या दूसरी बातें करता है? समझ में आया ना? इसलिए ये सब पागलपने की बात है। शांति से जिए जाओ और एक दूसरों को किसी को दुख मत दो, ये बहुत जरूरी है। सब अपनी अपनी सत्ता टिकाने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, और जितना भगवान की बात है कि जिसने दूसरों को दुख दिया उसकी सत्ता मिट जाती है। क्या मिट जाता है? सत्ता मिट जाता है, उसका क्या बोलते हैं, अस्तित्व मिट जाता है। जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों की हिंसा करता है, दूसरों को परेशान करता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए खूब अच्छी तरह रहो, अच्छी तरह जियो, और ये सब भगवान महावीर को नहीं दिखता होगा? दिखता होगा। फिर मुझको तो भस्म ग्रह दिखता था, बोले धर्म की दशा ऐसी हो जाएगी, सब धर्म में बिजनेस हो जाएगा। क्या होता भगवान को क्या दिखा? धर्म में बिजनेस हो जाएगा। क्या होगा फिर? फिर भगवान बोलते ये सपने है ना, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म का किया है ना, तो हिसाब पूरा तो करना पड़ेगा ना,
कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसे गुरु भी आएंगे, ऐसे ऐसे शिष्य भी आएंगे और फिर हिसाब पूरा करेंगे। हस्बैंड वाइफ का हिसाब होता है ऐसा नहीं है, गुरु शिष्य का भी हिसाब होता है। हम मानते गुरु शिष्य का हिसाब नहीं होता, गलत बात है। हम यहाँ पर आए तो बाल्टी बाल्टी नहीं थी, तो किसका हिसाब? हमारा हिसाब है, हमारी गलती। वो अभी आपको देखना है, वो आपको देखना है। सबसे पहले आके यहाँ आके संडास साफ किया आपने, अच्छा किया है, इतना बढ़िया काम किया, इतना अच्छा है। गलती तो हमारी, हम पकड़े गए, लेकिन ये सब हिसाब है। क्या है हिसाब? है कहीं पर भी जाओ, हिसाब के बिना तो कुछ नहीं है। हमारा हिसाब हमको भुगतने का, आपका हिसाब आपको। फिर जब हिसाब आए तब रोना मत। आपको ऐसा नहीं लगा इन्होंने बुलाया और यहाँ सफाई भी नहीं है? हम क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें? और फिर भी बोलने जैसा हुआ, हमने कहा फिर बोल लो के फाइन, न्याय ढूंढने जाना नहीं है, नहीं है। इतना तो पढ़े नहीं। किसी के ऊपर डालनी नहीं है बात। जब तक जिम्मा खुद के ऊपर लेते नहीं है, फिर वो संसारी बात हो कोई भी बात हो, खुद पे लेते नहीं है और दूसरे पे डालते हैं, तो समझ जाना विनय तो छोड़ो, विवेक भी नहीं है। और वो सबसे बड़ी विपरीत बुद्धि है और वो इतना नुकसान कराती है, इतना नुकसान कराती है कि जो थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त है ना, थोड़ा सा भी कुछ खाली हो जाए वो भी चला जाए। क्योंकि ये हाथ ऐसा है कि जिसमें पानी या रेती डालो ना, ये हाथ कैसा है कि पानी या रेती डालो और इसका बंद करने जाओ ना, चल जाता है, सब हाथ में से चला जाता है। इसलिए कोई चीज देखी और अपने ऊपर अपने आप नहीं ली, अपने ऊपर नहीं ली और दूसरों को जिम में ठहराया, तो खलास हो गई बात। फिर प्रगति नहीं होती, फिर समझ जाने का कि डेंजर जोन की तरफ जा रहे हैं। किससे कौन सी जोन की तरफ जा रहे हैं? डेंजर जोन मालूम होता है? मालूम है कौन सा डेंजर जोन? डेंजर जोन जहां अधोगति होती है। मेरे घर पे कोई बीमार हो गया, माताजी गिर गई, तो मैं बोला स्लीपर अच्छी नहीं थी, काम वाली भाई ने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करेगा। वो सब बाहर बोलने की बातें हैं, खुद पे लेनी है चाहिए बात। जब तक खुद पर जिम्मेदारी नहीं लोगे ना, तब तक काम नहीं बनता। सच्चिदानंद सच्चिदानंद।